सो है गाइज, दिस इज प्योर गाइज। नए प्रीमियम क्रेट्स आ चुके हैं जिसमें वो अनुबिस का सेट है। मैंने कुछ दिनों पहले आपसे पूछा था कि जो अनुबिस का सेट है वो किस में आने वाला है, तो आप लोगों ने वही पे बोल दिया था कि प्रीमियम में आने वाला है। देखो गाइज, जब प्रीमियम मैंने सुना तभी मैंने होप खोदी कि भाई वो सेट मिलेगा या नहीं। देखो गाइज, जब तक इसकी लास्ट डेट है प्रीमियम क्रेट की, तब तक मैं ट्राई करूँगा। कोई क्रेट ओपनिंग की वीडियो वगैरह ये सब कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। वैसी वीडियो देखनी होगी तो आज ही यूट्यूब पर सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मुझे बस सेट चाहिए, ट्राई करूँगा मैं एंड तक। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई नहीं यार। देखो गाइस, मिथिक का चांसेस बहुत कम होते हैं मिलने के, आपको पता है। मुझे कभी भी गाइस प्रीमियम क्या भाई क्लासिक किसी में भी मिथिक आउटफिट नहीं मिले, बाकी सिर्फ रॉयल पास में वो मिथिक रहते पहले से, वो तो मिल ही जाएंगे, बट ऐसे तो कभी मिला नहीं है। मैं ट्राई करूँगा गाइस, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी गाइस, अगर गेम प्ले की बात करें तो गाइस ये S3 स्टार का रश गेम प्ले हम खेलने वाले। इसमें बहुत सारे मैं किल्स निकालने वाला हूँ, और जो एंडिंग भाई, जब एंडिंग देखोगे ना गाइस भाई, इतना बुरा लगेगा। बुरा नहीं, तुम बोलोगे भाई अनुबिस कैसे हक दिया यार तूने, ऐसा बोलोगे आप लोग भाई। सो गेम प्ले देखो पूरा कि क्या होता है एंड तक। तो गाइस अभी के लिए मैं टेंपल पे आ चुका था। यहाँ पे गन भी मिल जाती है, बट बंदे कोई दिखाई नहीं दे रहे थे, फुटस्टेप आ रहे थे। और यहाँ पे गाइस एक फुटस्टेप मुझे बाद में टेंपल के अंदर से भी आया, मतलब ये समझ गया कि टेंपल के अंदर भी कोई बंदा ग्लिच के थ्रू गया हुआ है, तो वो भी मैंने ध्यान में रखा। बाकी बंदे स्पॉट करने की मैं कोशिश कर रहा था। ऊपर की साइड गए दो बंदों के फुटस्टेप आ रहे थे, मैं वो देखने जाता हूँ ऊपर, और ऊपर की साइड मुझे दिखाई भी देते दो बंदे जो कि मुक्केबाजी करते, बाद में उनका किल फीड में भी नाम आ जाएगा। उसके बाद मुझे सामने की साइड से गए फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैं सामने की साइड चला गया, और यहाँ पे गए मुझे एक बंदा स्पॉट भी होता है। तो गाइस जिस वाले बंदे को तो इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद मैं वापस वहीं पे गया और बंदे स्पॉट करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच गाइस किलफील्ड में देखो हाइपर राज नाम के बंदे ने मुक्के से एक बंदे को मारा था, जो कि अपने ऊपर टेंपल के ऊपर उनकी फाइट हुई थी। इसी बीच गाइस नीचे की साइड मुझे फुटस्टेप आए थे एक बंदे के, और देखो गाइस उस बंदे को हम कैसे मारते हैं। तो गाइस इस वाले बंदे के ऊपर मुझे ऊपर की साइड से अच्छा एंगल मिल गया, और इसको भी हमने मार दिया। उसके बाद ये वाला बंदा, इसको एक बुलेट कनेक्ट हुई, ये भी मारा गया। देखो गाइस इसके पास गन नहीं थी इसलिए ये जंप कर रहा था, ये कोई मिलने वाला नहीं था। अगर ये मिलने वाला होता तो बाद में इसका कमेंट आता कि भाई तुमने मेरे को मार दिया बोल के। और ऊपर से गाइस ये कोई रैंक पुशर भी नहीं था, क्योंकि रैंक पुशर टेंपल पे आके ऐसे मुक्केबाजी से बकचोदी नहीं करते, ठीक है। गाइज ये वाला स्प्रे अगर पसंद आया हो M4 आयरन साइट का, तो गाइज वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज फटाफट लाइक कर दो। बाकी गाइज अभी मुझे टेंपल के अंदर घुसना था, और मुझे पता था कि टेंपल के अंदर एक बंदा, इवन गाइज वो स्मोक भी करता है और फुट स्टेप भी देता है आपको। यहाँ पे देखो आप क्लियरली, ये देखो ये स्मोक, और आगे बंदा भी दिखाई दिया मुझे। अभी एक नेड करूँगा मैं, और एक ईजी किल अभी इसके साथ फाइट लूँगा मैं गार्डियन के साथ, और गार्डियन से बस मस्त एकदम लूट करके मैं नीचे की साइड निकल जाऊंगा। देखो गाइस यहाँ पे होता क्या है। तो गाइस यहाँ पे गार्डियन के ट्रेजर से हमें मिल जाती है ओम। यहाँ पे मैं उजी फेंक देता हूँ, सोचता हूँ कि भाई मस्त स्नाइपिंग करके एटेक्स भी मिल चुका है। बाकी मैं अभी रोजोक पे उतरूंगा गाइस, क्योंकि बस एक मिनट बाकी था और मैंने सोचा रोजोक में हमको गाड़ी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं उतरता हूँ, यहाँ पे गाइस एक बंदा होता है जो कि मेरे ऊपर अभी फायर करेगा। देखो आप, तो शायद से गाइस उसने सप्रेस्ड स्कारेल चलाई थी, तो मैं उसकी तरफ से कवर में चला गया।
वैसे यहाँ पे मैं बस छत के ऊपर बैठ के इधर उधर नज़र रख रहा था, बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे पीछे के साइड से गए फुटस्टेप्स आते हैं, जो कि बंदा एक चल के आ रहा था। देखो आप, तो गाइस ये वाले बंदे का ध्यान पता नहीं कहाँ पे था, इसको हमने इजीली फिनिश कर दिया। इसके पास भी गाइस ओम और M4 ही थी। ये भी बंदा शायद से टेंपल से उतरा था और बीच में कहीं पे उतर गया और वहाँ से फिर चलते हुए इधर आ रहा था, बट बीच में हमने इसको पकड़ लिया और इसको भी हमने इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद गाइस मैं आगे की तरफ देख रहा था, मुझे एक बग्घी दिखाई थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई बंदा हो सकता है, और इवन मुझे छत के ऊपर एक बंदा भी स्पॉट होता है। तो गाइस यहाँ पे वो बंदा छत के ऊपर आके लेट गया था और यहाँ पे कोई एंगल तो मुझे मिल नहीं रहा था अभी के लिए। मैं ट्राई कर रहा था उसको देख रहा था कंटिन्यूसली, मैं उसी के ऊपर पूरा ध्यान था, बट यहाँ पे गाइस वो बंदा थोड़ी सी गलती कर देता है। देखो आप, तो गाइस यहाँ पे बंदा क्राउच कर जाता है जिसकी वजह से उसके हेलमेट का छोटा सा पिक्सल मुझे दिखाई देता है, और वहाँ पे मैं शॉट लेता और वो बंदा भी गाइस इजीली फिनिश। इसी बीच गाइस मेरे सामने से एक व्हीकल जा रही थी, तो गाइस यहाँ पे एक हाथ दो बुलेट्स कनेक्ट की थी मैंने बस, बाकी बंदा तो मरा नहीं। उसके बाद मैं बस ऐसे देख रहा था कि तभी गाइस मेरे ऊपर शॉट्स आते हैं कार 98 के। मैं देख रहा था कि बंदा है कहाँ पे, ऊपर की साइड एक बंदा दिखाई भी देता है मुझे जो कि उस टावर में बैठा हुआ था, बट वो मेरे ऊपर शॉट नहीं ले रहा था गाइस। मैं देख रहा था कि बंदा है कहाँ पे, बाद में वो बंदा मुझे स्पॉट होता है। देखो गाइस वो होता कहाँ पे, तो गाइस जहाँ पे मैंने अभी एम किया वहीं पे वो बंदा था जो कि मेरे ऊपर कार 98 के शॉट्स मार रहा था, और उसको गाइस नीचे के साइड एक बंदा था जो कि उसके ऊपर DP चलाता है, और वो बंदा कवर में चला गया। और जैसे मैंने ओम चलाया उसके बाद तो उस बंदे ने पीक ही नहीं दिया, और जब जोन आया गाइस तब मैं जोन की तरफ निकल जाता हूँ। ऊपर की साइड गाइस वो बंदा मुझे ग्लिच के थ्रू दिख रहा था, तो मुझे लगा कि मैं उसके ऊपर शॉट्स लूँगा तो शॉट्स कनेक्ट होंगे, बट नहीं हो रहे थे। तो गाइस यहाँ पे मेरे सामने व्हीकल तो थी, मुझे जोन में जाने के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। इसी बीच एक बंदा मुझे ऊपर की साइड स्पॉट होता है जो कि फायरिंग कर रहा था। तो गाइस अगर ये वाला 4x प्रिप पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करना। मुझे पता है गाइस बहुत सारे बंदों ने अभी भी लाइक नहीं किया, तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस बाकी चैनल पे जो भी नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो गाइस अभी ये पोजीशन मेरे लिए खाली हो चुकी थी क्योंकि उस बंदे को मैंने मार दिया था, तो मैं आगे जाके गाइस ये वाली पोजीशन होल्ड करता हूँ, बाकी इधर उधर गाइस बंदे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे होता क्या है। तो गाइस ये वाले बंदे को मैं शायद से मार सकता था, और जब ये क्लोज था मेरे तब रेड डॉट का स्प्रे अगर थोड़ा मैं अच्छा देता तो वो बंदा इजीली मारा जाता और एक और किल मेरे को मिल जाता था, बट कोई नहीं। आगे जाके मैं बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, और एक और बंदा गाइस मुझे ओपन में स्पॉट होता है। देखो आप, तो गाइस यहाँ पे बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, इसको ऐसे ओपन में लेटना नहीं चाहिए था। इसके ऊपर हमने इजीली एम किया और इसको फिनिश कर दिया। बाकी गाइस यहाँ पे एक बंदा मेरे ऊपर शॉट्स लेता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे डैमेज दिया था उस बंदे ने, बट यहाँ पे मैं हील अप कर लेता हूँ जल्दी से, और उसके ऊपर भी मैं बैकफायर शॉट्स देता हूँ। तो गाइस जिस वाले बंदे के ऊपर कोई शॉट्स कनेक्ट नहीं हुए मैं बस गाड़ी को डैमेज दे पाता हूँ। उसके बाद मुझे ओपन में एक और बंदा स्पॉट होता है जो कि फायर कर रहा था। देखो आप, तो गाइस यहाँ पे मैंने दो बुलेट्स कनेक्ट कराई थी उसके ऊपर, और अभी मुझे पता था कि वो बंदा अभी हील करेगा, और इसी बीच मेरे को मौका मिल जाए कि मैं जाके क्लोजिंग करूँ और उसके साथ 1v1 प्रॉपर 1v1 फाइट लूँ। तो
गाइस इस वाले बंदे को तो मैंने इजीली फिनिश कर दिया। इसी बीच गाइस एक बंदा मेरे ऊपर शॉट्स लेता है और एक एमके वाला बंदा भी मुझे स्पॉट होता है। तो गाइस यहाँ पे पहले तो मुझे लगा कि मैंने हेडशॉट मारा है, बट वो बॉडी शॉट रजिस्टर होता है और उसके बाद मैंने M4 का स्प्रे किया और वो बंदा भी इजीली फिनिश। और अभी गाइस हमारे टोटल 11 किल्स हो चुके थे, 4 बंदे अलाव थे और मैं थोड़ा ओपन में था इसलिए मैंने पहले स्मोक किया और स्मोक का कवर ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखो गाइस मेरे पास M4 का एमो कम है और अगर मुझे एमो चाहिए तो क्रेट तो काफ़ी पीछे है जो कि मुझे जाके लूटनी पड़ेगी। पहले तो मैंने सोचा पहले गाड़ी का कवर लगा लेते हैं ताकि अगर कोई शॉट देगा, स्मोक तो एक ही है अपने पास, स्मोक भी नहीं है अपने पास कोई भी, तो गाड़ी का मैं कवर लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि जाके मैं पीछे वाली क्रेट लूटूंगा। और देखो गाइस कि यहाँ पे होता क्या है। तो गाइस आपको एक फ्रेज पता ही होगा कि भाई लालच बहुत ही बुरी बला है, तो यहाँ पे वही सीन अपने साथ हो जाता है। यहाँ पे मैं एमो तो उठा लेता हूँ बट स्मोक का लालच मैंने किया और देखा ही नहीं कि जोन कितना डैमेज दे रहा है अपने को, तो यहाँ पे हम जोन की वजह से ही मारे जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे और भी बेटर गेम प्ले बन सकता था, अगर एक प्रॉपर फाइट लेता मैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता, बट कोई नहीं यार, अच्छा गेम प्ले वैसे भी बन चुका था। तो गाइस आज का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर जरूर करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।